शुरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी अम्मा का मामला लेके आए हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जहाँ पर लॉकडाउन में किसी को खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पर अगर महंगे से महंगा भी आप पैसा दे दें तो आपको खाना कहीं ना कहीं मिल जाता है। पर यहाँ पर एक ऐसा ही खाने को लेके एक अम्मा है जिन्होंने काफी ज्यादा तहलका मचा के रखा हुआ है लॉकडाउन के चलते हुए। लोग सोशल मीडिया पे उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इस अम्मा की कहानी और आप भी काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे। और कमेंट बॉक्स में अम्मा करके कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि मदर्स डे जो था वो एक्चुअली जा चुका है, पर ऐसी माँ को सलाम करना तो काफी ज्यादा जरूरी है। बोलते ना कि जो फीड करता है, जो आपका पेट भरता है, वो माँ से कम नहीं होता, तो ये भी एक माँ ही है। तो माँ करके या तो अम्मा करके कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कहाँ का ये मामला। एक्चुअली में ये मामला जो है वो हमारे सामने तमिलनाडु से आ रहा है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आ रहा है, जहां पर कमला नाथल नाम की एक महिला रहती है जिनकी एज 85 ईयर है। अभी लॉकडाउन लगा हुआ, लॉकडाउन के चलते हुए सरकार कैसे ना कैसे करके लोगों तक खाना तो पहुंचा रही है, पर कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं कि जो उसके बीच में से भी छूट जाते हैं, और जो छूट जाती है उनके पास अगर पैसा नहीं है तो फिर वो भूख के लिए क्या कर। ऐसे में ही कुछ लोग ऐसे भगवान के फरिश्ते बन के सामने आ रहे हैं कि लोगों को खाना खिला रहे हैं और लोगों को या तो फ्री में लंगर वगैरह करा रहे हैं। तो कितने दिन लंगर करवा सकते हैं। पर ये जो महिला है जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग है, 85 ईयर की है, इनका एक्चुअली में 30 साल पहले से ही ये काम शुरू है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में ही इन्होंने शुरू किया है, 30 साल पहले से काम शुरू है। इन्होंने ये चीज बताया कि उनके वहां पर काफी सारे मजदूर वगैरह होते हैं, उनको तो नहीं पता था ना कि ये लॉकडाउन लग जाएगा और उस वक्त मजदूर ही उनके वहां पर आया करेंगे, पर ये मजदूरों के लिए ओपन किया था क्योंकि उनके पास कुछ ही पैसे होते खाना खाने के लिए। अभी डेली वो 7 से 9 बजे दुकान ओपन करती है, इडली जितनी भी बना पाए वो खुद इडली बनाती है और आगे सर्व करती है। लोग उनके पास आके इडली लेके जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहां पर बैठने की जगह वो देती नहीं है, कोई भी है तो पैकिंग करके रखती है और उतने 1 रुपए में इडली बेचती है, जो कि सुबह का लोगों का पेट भर रहा है। ऐसी महिला को हम लोग तो सलाम करते हैं और अम्मा करके जरूर बोलते हैं, क्योंकि अम्मा में तो माँ जरूर है। तो कमेंट बॉक्स में अम्मा या तो माँ करके कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी महिलाएं जो कि भगवान का फरिश्ता है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो हमारी आशा है। आपकी क्या आशा बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।